अगले 4-5 मिनट में हम ऐसा स्टॉक एनालाइज करेंगे जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चार्ट पे बहुत बढ़िया लग रहा है। फ्राइडे को इस स्टॉक का जो मीडियम टर्म एनालिसिस है वो प्रिसियनासिस में मैंने अपलोड कर दिया, तो आपको अगर प्रिसियनासिस का एक्सेस है तो उसमें आपको इस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। अब इस चार्ट पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पीछे आपको ये उज्जीवन का चार्ट दिख जाएगा। लॉन्ग टर्म चार्ट से शुरुआत करते हैं, तो मैं इसको मंथली कर देता हूँ। जब मैं इसको मंथली करता हूँ तो आपको ये ऑल टाइम चार्ट स्क्रीन पे फिलहाल दिख जाएगा। जब आप ये चार्ट देखोगे तो आपको एक समझ में आएगा कि 2016 से लेके अब ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। तो कितने साल हैं, तो 7 साल से ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो एक ट्रेंड लाइन सिलेक्ट कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करके यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देता हूँ। सारे जो टॉप्स हैं वो ज्वाइन कर देते हैं और ज्वाइन करके ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके की ट्रेंड लाइन बनती है। अब इसमें आपको दिखेगा कि 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं और एकदम एग्जैक्ट डिक्टो लेवल पे वो तीनों लाइंस मिल रही हैं। तो पहला तो ये हो गया 2016 वाला टॉप यहाँ पे, फिर ये जो है ये 2020 वाला टॉप है, और उसके बाद पिछले साल का 2022 वाला टॉप है, और यहाँ पे फिर मल्टीपल टॉप्स आपको दिख जाएंगे। अब ये जो करंट कैंडल है ये फॉर्म नहीं हुई, ये अभी फॉर्म हो रही है। इस महीने की ये कैंडल है, ये मंथली कैंडल है, तो इसका मतलब एक कैंडल जो है वो एक महीने की है। अब ये मंथली कैंडल जो है ये क्या कर रही है, तो ये यहां पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। इसका कंफर्मेशन कब आएगा, तो इस महीने के मंथली क्लोजिंग पे आएगा। तो मंथली क्लोजिंग पे हमें ये कंफर्म होगा कि क्या ये लेवल ब्रेक करता है नहीं करता है। तो यहां पे क्या ब्रेकआउट के बाद ये लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट फॉर्मेशन बनता है क्या, और अगर ये बनता है तो इस केस में ये एक मल्टीबैगर कैंडिडेट हमारे हाथ में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस स्टॉक पे आपने ध्यान देना जरूरी है। और ये इस तरीके की ट्रेंडलाइन आप आपके मशीन में भी प्लॉट कर सकते हैं और ये लेवल आप ट्रैक कर सकते हैं, ताकि आपको ये जानकारी हो कि ब्रेकआउट मिला नहीं मिला। आप अगर मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के मेंबर हैं तो मेरी तरफ से आपको अपडेट मिल ही जाएगा। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म चार्ट। अब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म चार्ट कंफर्मेशन सबसे लास्ट में देता है। पहला कंफर्मेशन आपको कहाँ पे आएगा, तो डेली चार्ट पे आएगा, उसके बाद वीकली चार्ट पे आएगा, और उसके बाद मंथली चार्ट पे आएगा। तो अब इसका जब वीकली चार्ट देखते हैं, तो एक चीज जैसे मैंने बताया कि इस स्टॉक का जो डिटेल एनालिसिस है वो आपको फ्राइडे के दिन डेट वाला आपको प्रिसियनासिस में मिल जाएगा। तो वो कौन सा है, तो वो अगर आप देखो यहाँ पे, तो इस स्टॉक ने फ्राइडे के दिन ही एक फ्रेश इनविटेशन जनरेट किया, और वो फ्रेश इनविटेशन किस चीज का है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक अपफ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है स्टॉक। और ये देखिए, ये यहाँ पे ऊपर चला मूव, उसके बाद ये आप देख पाएंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ये पूरा कंसोलिडेशन, और ये कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है ये फ्राइडे के दिन बना। तो क्या होता है कि पहला जो इनविटेशन है वो डेली पे आता है, फिर दूसरा वीकली पे आता है, और उसके बाद मंथली पे आता है। तो ये वीकली वाला इनविटेशन बहुत ही बढ़िया है, इसका डिटेल एनालिसिस, स्टॉप लॉस, टारगेट वगैरह सारी चीजें जो है आपको प्रिसियनासिस में मिल जाएंगी, तो वो जरूर चेक कीजिए। और आपको अगर प्रिसियनासिस का एक्सेस ना हो तो नीचे मेरा नंबर दिया, इस नंबर पे आपका इंटरेस्ट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरी टीम आपके कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, आगे लेके जाएंगे। मिस क्यों करना है, मिस नहीं करना है, समझ में आ गया। तो पहली बात क्या है कि एक इनविटेशन बन रहा है वीकली चार्ट पे, और कौन सा इनविटेशन है, तो फ्लैग फॉर्मेशन का इनविटेशन बन रहा है, और दूसरा इनविटेशन कहाँ पे, तो बढ़िया वाला इनविटेशन लॉन्ग टर्म चार्ट पे बन रहा है मंथली चार्ट पे। सिर्फ क्या है कि मंथली चार्ट के कंफर्मेशन के लिए हमें मंथली क्लोजिंग की राह देखनी है। तो इस तरीके का ये अपॉर्चुनिटी है। ये स्टॉक कौन सा है, तो उज्जीवन। तो इस पर ध्यान जरूर दीजिए, इसमें इंटरेस्टिंग सा फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग सी प्राइस मूवमेंट्स हमें आगे जाते हुए देखने को मिल सकती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे थम्स अप दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिए, और आपकी जो कुछ राय है कमेंट्स में लिख दीजिए। आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया इसलिए आपका धन्यवाद। आपका जाम सैंडिकर्स।